वजाहत के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उससे वजाहत से तो बड़े हैं। अब जाहिर है भाइयों का आपस में बहुत प्यार होता है और कमी भी ये कभी पूरी नहीं हो सकती, और उसको ढूंढने में उसकी तलाश में काफ़ी सरकर्दा रहे दोस्तों के साथ भी। लेकिन इन लोगों को ये भी नहीं था कि इस किस्म का वाकया जो है वो इस फैमिली के साथ पेश आ जाएगा। वजाहत से बड़े हैं आप? जी मैं सबसे बड़ा हूँ, हम चार भाई हैं और ये सबसे छोटा था। सबसे छोटा था। वजाहत के दोस्तों का भी आना जाना था? जी जी। कभी किसी दोस्त ने कोई लड़ाई झगड़ा कभी मोहल्ले में कभी इधर उधर सुनने में आया? नहीं, वजाहत बिल्कुल भी स्नेचर का नहीं था। इवन के अगर कोई उसे थोड़ा शाउडली भी बोले ना तो वो वहीं चुप हो जाता था। वो इतना फ्रेंडली और ऐसा था कि वो जहाँ जाता था दोस्त बना लेता था। दोस्त उसकी एक नेचर थी कि बड़ा फ्रेंडली था। आप उसकी अगर कुछ मूवीज़ या कुछ ऐसा क्लिप्स देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उसके जितने फ्रेंड हैं, जहाँ वो जॉब कर रहा था, जो उसके बचपन के स्कूल के दोस्त हैं, जो उसके साथ स्टडी भी करते रहे हैं, सबसे मैंने उस रात सबसे पूछा, सारे आए। इवन कि अभी तक रबते में हैं ना, उसकी इस तरह की कोई गैदरिंग, कोई लड़ाई झगड़ा। इवन के आप अगर उसकी पूरी लाइफ को हम कहें ना कि कभी किसी से कोई आज से 5-10 साल पहले कोई लड़ाई हो, कभी ऐसा नहीं है। अच्छा, जब वालिद तो ज़ाहिर है आपके बाहर होते हैं तो आप बड़े हैं और बड़े भाई पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपके कंधों पे बड़ा बोझ है, आप ही जिम्मेदार हैं। कभी भाई ने आपसे कोई इस किस्म की बात शेयर की हो, मतलब दोस्ताना माहौल में या वैसे? कभी उसने कोई जिक्र नहीं किया। जब ये इंसिडेंट हुआ है तो हमें भी नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या है। इससे कुछ दिन पहले उसने मुझे ये ज़रूर कहा है कि डॉक्टर हनान है, मैंने उससे पैसे लेने हैं। मैंने कहा कितने पैसे? कह रहा नहीं बस मैं बताऊंगा आपको। मतलब एक नॉर्मल बात, जैसे नाश्ता करते हुए मैं अपनी ऑफिस जा रहा था, उसने भी निकलना था, तो उसने वैसे एक नॉर्मली बात, कोई ऐसी अपनी डिप्रेशन या कोई मुझे ऐसा शो नहीं किया, ये किया है जिक्र। फिर उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया, हम लगे हुए ना, हमारा माइंड उस तरफ गया। फिर जो पुलिस वालों को क्लूज मिले, और जो एक सबसे पहला जो क्लू मिला जिस पे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जब उन्होंने मेरे से पूछा कि इस नाम के बंदे को जानते हो, तो मैंने उन्हें फिर बताया, पूछा उन्होंने मुझे पूछा है कि यार इस बंदे को आप जानते हो? मैंने कहा इसका तो एक जिक्र किया था मेरे भाई ने, और इससे कुछ दिन पहले की बात है कि ऐसा कोई इसने उससे पैसे लेने हैं, और ये मुझे इसने इतना अमाउंट बताई थी कितने लेने, ये उसने मुझे नहीं कहा। ना उसकी फेस पे कोई ऐसे एक्सप्रेशन थे या ना उसकी कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि मैं समझता कि कोई ऐसी खतरे वाली कोई बात है, पैसे लेने की लड़ाई झगड़े वाली कोई लैंग्वेज कोई इसकी, ना उसकी लाइफ ऐसी रही है, ना उसने मुझे शो किया। नहीं तो एक इंसान की फीलिंग होती है, मैं फील करता, नहीं मुझे ना फील हुआ ना ऐसा कुछ था, वो नॉर्मल था। जिस दिन वो मिस हुआ है, उसे एक दिन पहले हमने जो कुर्बानी की है, वो हंस रहा है, खेल रहा है सबसे। उसकी आप उसके दोस्तों से भी पूछेंगे ना, तो एक बंदा परेशान हो या किसी को कोई खतरा हो तो वो फील करवा देता है। नहीं, उसके जो क्लोज फ्रेंड हैं, जैसे मैं बड़ा भाई हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो मुझसे शेयर नहीं कर सकता था, जिन दोस्तों से कर सकता था और करता था, उन्होंने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके उस सर्कल वाले दोस्त भी इस बंदे को नहीं जानते। ये बताएं कि ये जब मामला हुआ 24 तारीख को आप गए थाने या 25 को गए? आप 25 को गए क्योंकि आपको लगता था कि वो 24 को किसी जगह पे रुक गया होगा, स्टे कर लिया होगा। पहले भी घर से बाहर रुकता था? कुछ दफ़ा हुआ है, लेकिन वो अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाता होता था, इन्फॉर्म कर देता, इन्फॉर्म करता था। जिस दिन ये मिस हुआ है, उस दिन फ्राइडे नाइट थी, 24 शाम को 7 बजे घर से निकला है, 7 और 8 के दरमियान। मुझे मैंने इसे मैसेज किए हैं रात 12 बजे, मैंने कहा हसन किधर हो? इसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। इसका छोटी बहन के नंबर पे रिप्लाई 1:09 पे आया कि मैं ना बाजी, ये लिखता होता है बाजी, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं, इसने कहा सुबह आऊँगा। इसने मुझे 3:06 पे एक रिप्लाई किया है कि मैं एक दोस्त के घर रुकूंगा, सुबह आऊँगा। मैं भी सो गया। एक आधी दफ़ा ऐसा हुआ था कि अगर ये ऐसे लेट होता था तो कई दफ़ा अपने ऑफिस चला जाता था जॉब पे, और वहाँ से कॉल कर देता था कि मैं इधर आ गया हूँ, आप परेशान ना हो। जो मेरे से छोटा भाई है, उसने इसे कॉल्स की हैं कोई 10-11 बजे की, इसका नंबर पावर्ड ऑफ आ रहा है, करते रहे। शाम में मैं ऑफिस गया हुआ था, मैं भी आया, घर से फ़ोन आया कि हसन का नंबर भी पावर्ड ऑफ आ रहा है, वो घर नहीं आया। मैं भी घर आता हूँ, इसके ऑफिस एक लड़का आता है कि हसन भाई का ना नंबर मिल रहा है, ना कल से कोई रबता हुआ है, कल ही उनसे दोपहर में कोई 2-3 बजे बात हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई रबता नहीं, तो हसन भाई किधर है? हमने कहा हम तो यही समझ रहे हैं ऑफिस है, कह रहे सर वो ऑफिस भी नहीं है। उसके बाद इसके जितने दोस्त थे उन सबको कॉल्स की, सबसे पूछना शुरू किया। जब मुझे कुछ फीलिंग हुई कि शायद कुछ है, फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ जाके एप्लीकेशन दी, उन्हें बताया।
फिर उन्होंने अगले दिन संडे 26 तारीख थी, उन्होंने मेरे से उन्हें बुलाया, उन्होंने चीज़ें पूछी, दोस्त है बाप का पूछा, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा, सारी चीज़ डिटेल्स उन्हें दी। इवन कि उन्होंने कहा कि आप अपने तसल्ली करना चाहते हैं कोई ऐसा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जनरल हॉस्पिटल भी गया, जना हॉस्पिटल भी गया, कोई एक्सीडेंट ना हो गया कुछ ऐसा, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। शाम में इन्होंने बुलाया, उसका वो पर्चा कटाया अगवा का। पर्चा कटने के बाद हम वहीं बैठे हुए थे, वो नंबर्स कोई ले रहे थे दोस्तों के लिए, जितने भी इसके कुछ एक दो दोस्तों को वहाँ बुलाया भी, वो बड़े अच्छे लड़के हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, उनसे भी पूछगिछ की, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। हम घर आ गए, उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें अभी घर जाएं, हम इसकी जो भी कॉलिंग डिटेल, पुलिस ने कहा कि जो भी हमने अब इन्वेस्टिगेशन करनी है वो उनका एक अपना जो होगा, उन्होंने कहा अभी आप रिलैक्स होकर घर जाएं, हम आपसे रबते हैं। मैं और चाचू थे, चाचू और मैं घर आए, चाचू उधर अपने घर चले गए, मैं इधर आ गया हूँ। हमारे घर पहुंचने के कोई 15-20 मिनट बाद मुझे कॉल आई है, हैदर साहब थे कोई, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, वो जो एक न्यूज़ थी जो उन्हें भी पता था, वाली साहब ने भी हमसे शेयर की थी, उनके भी नॉलेज में थी। उन्होंने कहा कि ऐसे करें कि आप सुबह जाकर ना अर्ली इन द मॉर्निंग उस बॉडी को देखें। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आप अभी चले जाओ अगर जा सकते हो। मैंने कहा जी अभी चले जाएंगे। मैंने चाचू को फ़ोन किया, हम घर से निकले हैं, हम वहाँ गए हैं मैं हॉस्पिटल, वहाँ जाके वो डोर नॉक किया, वो बाहर निकले, उन्हें ऐसे कहा जी पुलिस वाले मैं आ जाए, वो जब बंदर लेके, चाचू कह रहे कि आप चले जाओ, मेरे में हिम्मत नहीं है, हिम्मत में इनके ऐसे वहाँ, क्योंकि फीलिंग हमारी भी नहीं थी कि हमारा कुछ ऐसा नहीं है, वो बदकिस्मती ऐसी कि वो मैं आगे गया हूँ, तो मुझे मैंने जब भाई को देखा मैं खुद वहाँ गिर गया हूँ। वो अच्छे लोग थे, उन्होंने बड़ा हमें संभाला, क्योंकि हम बाइक पे गए थे और मैं और चाचू ही थे सिर्फ। वहाँ से फिर हम निकले हैं, हमें पता है हम घर कैसे पहुँचे। फिर मैंने घर फ़ोन करके छोटी बहन को बताया, फाली साहब को एकदम बताना नहीं चाह रहे थे, ये हार्ट पेशेंट है, अब इतनी बड़ी न्यूज़ कैसे दें। अब चाचू वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खैर चाचू ने फिर अब्बू को बड़े थोड़ी देर बाद कोई बताया इन्हें, फिर घर आए हैं, फिर पुलिस वालों से मेरा उसी नंबर पर रबता हुआ, उन्होंने कहा जी अभी आप घर जाएँ, आपकी जो भी अब मामलात हैं आप उन्हें देखें, हम आपसे सुबह रابطہ करेंगे, आप सुबह हमसे रابطہ कीजिएगा। फिर यहाँ रहे, सुबह मैं जब गया हूँ इलाहाबाद, अलियास गुजर साहब थे उन्होंने किया, फिर वो पता जो शेराकोट में जो बॉडी मिली जो न्यूज़ में था ये फिर वही बॉडी थी। अब हमें नहीं पता था कि ये हमारे भाई की ही बॉडी है। तशद्दुद वगैरह भी किया था सीने पे? तशद्दुद के ही निशानात हैं, और उसे जिस तरह उसे किसी ने एग्रेशन में मारा है या जो उस पर किसी ने अपना एग्रेशन निकाला है, यही चीज़ बर्दाश्त से बाहर है, और यही चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही कि जिस तरह उसे पेनफुली जो इस चीज़ को एक तरफ उसे लेके गए हैं, वो अब लोग ज़्यादा हैं या एक है ये हमें कंफर्म नहीं है। कोई तेज़ धार या कोई ऐसी चीज़ है जो उसकी राइट साइड से पंच की गई है, जो उसके हार्ट तक गई है और उसी वजह से उसकी डेथ हुई है। उसके बाद पुलिस का कोऑपरेशन आपके साथ? पुलिस का कोऑपरेशन बिल्कुल ठीक जा रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ये उन्हीं की मदद से ये बंदा जो पता लगा ये उन्हीं की वजह से, और ये हम उनका बल्कि शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी पूरी एफर्ट्स रही हैं, दिन रात देख रहे हैं, उन्होंने जो वीडियो एविडेंस है या जो चीज़ें कलेक्ट की हैं वो सारी यूनिक एफर्ट्स हैं, और उन्होंने हर कदम हमें अपने साथ रखा है और हमें बताते रहे हैं और लेके चल रहे हैं, बाकी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। डॉक्टर हनान से आप मिले हैं क्योंकि आप भी? नहीं, मैं कभी नहीं मिला हुआ। ये UNO का डॉक्टर है WHO में, जो बाद में पुलिस ने हमसे शेयर किया है, तो इसे भी तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं वहाँ जॉब करते हुए। जहाँ इसने भाई से ये पूछने की कोशिश की कि पैसे आपने उधार दिए थे या सामान दिया था या किस मद में पैसे दिए? अब ये एक नॉर्मली सी बात हुई है, जैसे मैंने पूछा और हसन, और ये मैटर भी नॉर्मल है कि ऐसे ही है, वो बात को एक छटीज जैसे काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने एक नॉर्मली बात है, हम नाश्ता कर रहे हैं, टेबल पे बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, वो शूज पहन रहा था, मैंने कहा तू जल्दी जा रहा है? कह रहा जी मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि ईद आने वाली है, तो वहाँ ड्यूटी टाइम जो है ना चेंज है, तो मुझे जाके सबको बुलाना होता है। तो वो हंसता है खेलता, ईद से कब उसने आपसे बात? ईद से कुछ दिन, आप 4 या 5 दिन पहले की ये बात है, और ईद के तीसरे दिन का ये वाक्य है, जुमे वाले दिन का ये वाक्य, जब वो घर से मिस हुआ है। खैर
اب وہ 25 کی جو باڈی وغیرہ ملی ہے وہ جو بھی ہے جمعے کی ہاں وہ لیکن اب یہ جمعے کی ہی رات تھی اور ہفتے کی صبح ہوگی اب اس میں یہ کب انسیڈنٹ ہوا ہے کیسے ہوا ہے اب یہ وہ پولیس والے دیکھ رہے ہیں یا انہیں پتہ ہے وہ بتائیں گے پہلے دن ہم نے کی چاچو کے گھر قربانی اور وہاں سے ہم فری ہوئے تقریباً شام کو 5-6 بجے پھر گھر آئے ہم دونوں تیار شہر ہوئے اور اس سے بڑا اور میں ہم تینوں بھائی لنک روڈ پر سنوکر کھیلنے گئے مطلب ہمارا بڑا اچھا دوستانہ ماحول تھا ہم ڈیلی سنوکر وغیرہ کھیلنا عید کے دوسرے دن ہم نے گھر پہ کی قربانی اور اس کے بعد میری اس کی آخری ملاقات تھی کیونکہ میں رینٹ کا کام کرتا ہوں تو میں زیادہ تر آؤٹ آف سٹی رہتا ہوں تو میری بکنگ تھی اٹک کی میں عید کے دوسرے دن رات کو چلا گیا ہوں اٹک ہاں مجھے پیچھے سے انفارمیشن ملی کہ وجاہت اس طرح مس ہے میں نے اسے کال کی کہ تیسرے دن اس کا مسلسل نمبر بند خیر میں آیا تو اٹک تھا بھائی اور چاچو انہوں نے پیچھے سے کافی کوشش کی ڈھونڈنے کی لیکن نہیں میں اٹک سے پھر میں چلا گیا تھا خوشاب جب میں تھا تب مجھے انہوں کا فون آیا کہ اس طرح جو ہے نا حسن کی ڈیتھ ہو گئی